आई होप यू आर ऑल फाइन। मेरी आज की वीडियो है कि हमारे जो लाइटर्स हैं इसमें ऑयल खत्म हो जाए, इसको रीफिल किस तरह से करते हैं, इसका रीफिलर कहाँ से मिलेगा। मुझे 2 से 3 बार लोगों पहुंच चुके हैं कि बाजी बता दें फिलर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे यूज करते हैं, रीफिल कैसे करते हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर देते हैं। तो ये होता है लाइटर, अगर ये आपके किचन में हो पड़ा तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, जब हम इसको बाय करते हैं इसके साथ एक स्मॉल साइज का जो कि होता है ना लिक्विड, वो हमें दिया जाता है। अगर ये खत्म हो जाए तो हम इसको किस तरह से रीफिल कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड के रीफिलर्स मौजूद होते हैं। अगर जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं ना वो लिखेंगे लाइटर रीफिलर तो वो आराम से आपको फिलर मिलेंगे तो लिखेंगे तो आ जाएगा। और ये मैंने लिया था किसी भी सुपर स्टोर से, जो बड़े सुपर स्टोर होते हैं आपको ईजिली मिल जाएगा। 300 रुपीज़ का है और इसमें होता है 3 ml होता है। जब एक बार आप ये ले लेंगे ना तो आपके 5 से 6 माह आराम से निकल जाएंगे, कोई मसला भी नहीं होगा। और इसको रीफिल करते किस तरह से आपको मैं ये बता देती हूँ। ये इतनी बेहतरीन चीज़ है ना कि मैच बॉक्स में समटाइम ढूंढना पड़ता है, गीला हो जाए तो बस एक दफ़ा ले लो, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। और दैट्स इट। पीछे आपको ये नोक नज़र आ रही है इसकी, ये देखिए आप बैक साइड से कुछ इस तरह से मुख्तलिफ साइज़ में मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं लाइटर्स, उसको फिल कैसे करते हैं। इसको हमने इसके अंदर डालना है कुछ इस तरह से लाइक दिस। ये देखें, अब हमने कुछ भी नहीं करना, ये देखना है अब आपने। अब इसको मैंने ऐसे रख के दोबारा से करीब से दिखा रही हूँ, जस्ट इसके अंदर डालना है। अगर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा डालेंगे तो ये यूं करके होगी कंडीशन, जो कि नहीं होनी चाहिए। सुन रहे हैं आवाज़, इसको अपने ऐसे पर करना है, दैट्स इट। और यूं ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे ना, डायरेक्शन देख लें किस तरह से रखा हुआ मैंने। थोड़ा सा एक दफ़ा हो गया, फिर दोबारा से करेंगे, दैट्स इट। ये देखें फेल हो गया। इतनी सी बात है, कुछ सेकंड्स लगते हैं और हमारा लाइटर बहुत इजीली फिल हो जाता है। अब झंझट ख़त्म। अब बस आगे बरसात आ रही है, मैच बॉक्स गीला है, यूज़ नहीं हो पाता, बड़ा मसला होता है। बस फिलर्स लें, लाइटर्स हो पड़ा फिल करें एंड अपनी कुकिंग को एंजॉय करें। अब आपको मैं ये लाख लगा हुआ, ये देखें, अब आपको मैं इसके फायर जला के भी दिखाती हूँ, ये देखें, है ना सहूलत। तो ये थी मेरी वीडियो, लाइटर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, रीफिल करना हो अपने रीफिल किस तरह से करना है, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो कहते हैं क्या लिखकर सर्च करें। आप देखते हैं लाइटर रीफिलर लिखेंगे तो काफ़ी ब्रांड के आ जाएंगे। कोशिश करें कि आप इसे खुद ही जो है शॉप पे जाके बाय कर लें। काइंडली इसको किचन में गर्म जगह पर ना रखें। इसके ऊपर दी हुई है सारी इंस्ट्रक्शन, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। आग के पास ये बिल्कुल नहीं करना, आपने साइड पे आके करना है, ताकि अपनी अब सेफ्टी का भी ख्याल रखें, अपने आप को अपडेट करें और अपनी सहूलत का ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सहूलत के लिए होती हैं और बहुत जल्दी ये क्विकली काम हो जाता है, टेंशन भी नहीं होती। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलोगी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।